नमस्कार, आप देख रहे हैं के हरियाणा और मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। आज हम पहुंचे हैं, के हरियाणा की टीम पहुंची है गांव गोदिका के अंदर, सिरसा का गांव गोदिका। यहां पे राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोदिका के अंदर फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगवाया गया। इस चेकअप कैंप की अगर मैं बात करूँ तो यह चेकअप कैंप जोन नंबर 4 से जिला परिषद सदस्य आदित्य चौटाला की देख रेख के आदित्य चौटाला के प्रयासों से इस चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कैंप के अंदर बिल्कुल फ्री बिना किसी पैसे के लोगों को दवाइयां दी जा रही हैं और 2000 लोगों के लगभग चेकअप यहां पे इस कैंप के अंदर किया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं कि यहां पे इस चेकअप कैंप के अंदर कितने लोगों की भीड़ लगी हुई है दवाइयां लेने के लिए। आप इस कैमरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गाँव से लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं दवाइयाँ लेने के लिए। आपको बता दूँ कि लोगों के लिए ये कैंप सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस कैंप के अंदर गांव के अंदर ही फ्री दवाइयां दी जा रही हैं। सिरसा जाने की ज़रूरत नहीं है, गोरीवाला जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर छोटा मोटा कोई रोग है तो उसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्री मेडिकल कैंप आपके गांव में आज आयोजित किया गया, गोदिका गाँव के अंदर आयोजित किया गया। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरफ भी लोगों की काफ़ी लाइन लगी हुई है। महिलाएँ लगभग ज़्यादा की ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ कर इस मेडिकल कैंप में का हिस्सा बनने के लिए आई हैं। अपनी तमाम समस्याओं को वो डॉक्टरों के सामने रख रही हैं, जो भी उनके शरीर में परेशानी है उसको वो सामने रख रही हैं। तो आइए इसके बाद में महिलाओं के लिए एक स्पेशल लेडी डॉक्टर का भी प्रबंध किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस कैंप के अंदर पेट रोग के इलाज किए जाते हैं, दांत रोग के ENT जिसको बोलते हैं, ईयर नोज थ्रोट का इलाज किया जाता है। स्त्री विशेषज्ञ को स्पेशल तौर पे बुलाया गया है। इसके अलावा 3 फिजिशियन फार्मासिस्ट भी इस कैंप के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो चलिए, इस कैंप का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने के पीछे क्या मकसद था, ग्राम पंचायत गोदिका के सहयोग से भी इस कैंप का आयोजन किया गया, इस कैंप के आयोजन में उनका भी काफ़ी अहम योगदान है। तो ग्राम पंचायत गोदिका के सरपंच मुखिया धर्मपाल मुंदलिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनका मकसद था, क्या मकसद था इस कैंप को आयोजन करवाने के पीछे। धर्मपाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है के हरियाणा। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले हम जानना चाहें कि आपके गांव के अंदर निशुल्क मेडिकल कैंप लगा हुआ है, आपके मन में ख्याल कैसे आया, क्या आपका मुख्य उद्देश्य था इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने के पीछे? इसका मुख्य उद्देश्य मेन तो ये था जी, आजकल गांव में दिक्कतें हो रही है, हम गरीब आदमी है, मंदा टाइम चल रहा है, बाहर जा नहीं सकते, जाँच करवा नहीं सकते, इसलिए थोड़ा दिन पहले भाई आदित्य से बात हुई, लगभग एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले उनके सहयोग से ये कैंप लगाया गया, अभी ताकि गाँव में हर एक आदमी है, गरीब है चाहे अमीर है, कोई भी है, फ्री कैंप लगाया गया, अभी हर एक आदमी यहाँ से दवाई ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसका भला हो गाँव में, हर एक आदमी का भला हो। जाने में हर एक आदमी को दिक्कतें होती है, तकलीफ होती है, इसलिए लेडीज डॉक्टर आए हुए हैं, डेंटल सर्जन भी आए हुए हैं, सिविल सर्जन भी आए हुए हैं, मेडिकली ट्रीटमेंट भी फ्री है, मेडिकल यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं, तो गाँव को हर एक आदमी को सुविधा मिली, इसलिए ये कैंप लगाया गया है। सर, कितने लोग गांव के लगभग आपके गांव के लोग आ रहे हैं या आसपास के गांव के लोग भी इस कैंप के अंदर हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं अपनी समस्याएं उजागर? इसके अलावा हमारे गांव के अलावा यहाँ जिदारे वाला गांव से है, मुन्ना वाली से है, बिजुवाड़ी है, रसालिया है, कालोना है, सभी सरपंचों को पहले कहा गया हुआ है, गाँव में आवाज़ लगवाई गई है कि फ्री मेडिकल कैंप है, जो सेवा मिले वो आप भी आके हमें सेवा का मौका दें और जो भी तकलीफ है वो डॉक्टर को बताएं और ये आपका ट्रीटमेंट करेंगे जी। सर, कितने लोग लगभग अब तक इस कैंप के अंदर आ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुका है और कितने लोगों के आने की संभावना है? लगभग मेरे हिसाब से लेडी डॉक्टर हैं वहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, लगभग 150 से प्लस अभी तक लेडी डॉक्टर ने चेक कर लिए हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर बैठे हैं लगभग 100 के करीब, तो लगभग सभी डॉक्टर चेक कर रहे हैं। मेरे नज़र से लगभग ये 2.5 बजे तक का टाइम है, मेरे हिसाब से 500 प्लस तो देखे गए हैं, 500 से ज़्यादा आने की और उम्मीद है जी अभी तक। कुल कितने लोगों का आपने प्रोग्राम बनाया था कि फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगवा रहे हैं, तो एक अनुमान होता है कि लगभग इतने लोग यहाँ पे आ जाएंगे इस कैंप में, कितने का अनुमान लेकर के चले थे आप? लगभग 2500 आदमियों का अनुमान था जी, हमें अपने गांव से लगभग 1500-2500 आदमी बाहर से थे उम्मीद जी, बाहर से तो अभी लगभग 100-150 आदमी आए हैं जी, कुछ थोड़ा सीजन का टाइम भी चल रहा है इसी वजह से थोड़ी है, बाकी काफ़ी आ भी रहे हैं, अभी फ़ोन भी आ रहे हैं, उम्मीद है अभी और भी आएंगे। ग्राम पंचायत का एक बहुत अच्छा योगदान है ये कि लोगों को राहत मिले, क्योंकि लोगों ने जब सरपंच के इलेक्शन जो थे उस टाइम भी चुना सोचा होगा कि हमें इस तरह का सरपंच चाहिए कि जो हमारे सुख दुख में काम आ सके, तो आपने एक ये पहल की है जिला परिषद सदस्य आदित्य चौटाला के सहयोग से, बहुत अच्छा है। क्या आने वाले समय में आपके किस तरह का सहयोग करने रहने के लिए? आने वाले यही हमारी कोशिश पूरी रहेगी, सरकार की तरफ से जो भी सुविधा हो गाँव में दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाए जाएँ, जो भी सुविधा है गाँव में हर आदमी को घर बैठे सुविधा मिले, ताकि हर एक आदमी को बाहर जाने में तकलीफ ना हो।
शुक्रिया सरपंच साहब। तो ये थे हमारे साथ गांव गोदिका ग्राम पंचायत के सरपंच धर्मपाल मुंदलिया जी। उन्होंने बताया कि आदित्य चौटाला जो वार्ड नंबर 4 से जिला परिषद उम्मीदवार हैं, उनके सहयोग से इस कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के अंदर लगभग 2500 मरीजों के आने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब तक 500, अभी तक 12 भी नहीं बजे हैं, अब तक 500 लोग यहाँ पे आ चुके हैं और सबसे ज्यादा महिलाएं इस कैंप में बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं। आपको फिर से मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ से लेके तमाम महिलाएं यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहाँ जो लास्ट में जो वो खिड़की है वो लेडी डॉक्टर की है, लेडी डॉक्टर उस कैबिन के अंदर बैठी हुई है। तो लेडी डॉक्टर को दिखाने के लिए महिलाएं सबसे ज्यादा इस कैंप में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो लोगों से हम जानेंगे लोग क्या कहते हैं, किस तरह की लोगों को परेशानी हुई थी, किस तरह से इस कैंप का उनको फायदा मिला है, वो उनकी परेशानी किस तरह से दूर इस कैंप के माध्यम से हुई है। तो चलिए हम चलते हैं लोगों के पास सीधे, महिलाओं का क्या कहना है, पुरुषों का क्या कहना है इस कैंप को लेकर के, कितने वो उत्साहित हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम गीता है और मैं इसी स्कूल में GMS गोदिका में एज ए टीचर काम कर रही हूँ। आज हमारे स्कूल में जो ग्रामीण स्कूल में मतलब जो ये कैंप लगा है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारी महिलाएं भी आई हुई है। ये स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से जो कैंप लगा हुआ है, ये महिलाएं यहाँ अपनी छोटी छोटी जो बीमारियां उनके बारे में बता रही हैं। तो ये जो कैंप है ये बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से मेरे ख्याल में चल रहा है, क्योंकि जो महिलाएं हैं ग्रामीण सत्र की, वो अपने मतलब घर से बाहर निकलना उनके लिए, छोटी छोटी बीमारियों के लिए घर से बाहर नहीं जाती वो। और दूसरी बात है जो यहाँ से डॉक्टर मतलब जो हॉस्पिटल है, जैसे बठिंडा हो गया, डावली हो गया, सिरसा हो गया, वो दूरी भी ज़्यादा है, तो वो छोटी छोटी इन बीमारियों के लिए मतलब वहाँ जाना सही नहीं समझती, जहाँ लगा लो भी वो जा भी नहीं सकती हैं, छोटी सी बीमारी है उसको इग्नोर करती है, और वहाँ मतलब गाँव में थोड़ी मोटी दवाई लेके डॉक्टर से वो एक बार मतलब महसूस करती है भी हम ठीक हो गए, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ये बीमारियाँ छोटी जो स्त्री रोग होते हैं ये धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर वो समस्या ज़्यादा आती है। तो ये जो आज कैंप लगाई उन्हीं के लिए है, ये जो जो भी जिस तरह भी अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो आ रही है यहाँ पे, पर्ची कटवा के अपनी डॉक्टर को दिखा रही है, दवाई भी उनको यहीं से निःशुल्क मिल रही है। तो ये जो कैंप है ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि वो अपनी हर प्रकार की समस्या यहाँ बता सकती है। अगर किसी को थोड़ी समस्या तो यहीं से दवाई लेने से ठीक हो जाती है, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो डॉक्टर बता देते हैं, फॉलो करते हैं, वो मतलब जाके आगे भी दिखा सकते हैं। जो डॉक्टर आए हैं यहाँ से वो दिल्ली से हैं, MBBS डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर हैं, वो अच्छे से इनको देख रही है। तो मेरे हिसाब से ऐसे कैंप है जो लगने चाहिए मतलब हर महीने हर गांव में, ताकि जो गांव की लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, स्कूल के बच्चों को भी हमने यहाँ पे दिखाया है, जो बच्चे हैं जिनको, लड़कियों को जो भी समस्या, हमने यहाँ पे उनको बुलाया मतलब रोक लिया था और उनको दिखाया है। तो ये जो कैंप है ये लगने चाहिए, मतलब यहाँ डॉक्टर है जो निःशुल्क इनकी दवाई है, तो मतलब देखते हैं आप, आर्थिक तौर पे लोग दवाई भी नहीं ले सकते, जाना भी उनके लिए मुश्किल होता है, तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास है। और मैं चाहती हूँ भी हर गांव में मतलब जितने भी कुछ टाइम पीरियड के बाद ऐसे कैंप लगने चाहिए, ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए, तो ये महिलाएँ इसे आएँ और बहुत सारा मतलब फ़ायदा उठाएँ। तो कई महिलाएँ होती हैं वो जाने में भी, उनको जाना भी, अकेली भी नहीं जा सकती, जाने में भी दिक्कत होती है, बुजुर्ग होते हैं काफ़ी, तो छोटी सी बीमारी होती है उसके लिए सोचते हैं यहीं से दवाई ले लेते हैं, क्या जाना है। तो ये छोटी छोटी जो बीमारियां आज आ रही हैं, महिलाएं काफ़ी उनका रुझान है तो वो दिखा रही है, डॉक्टर साहब यहीं से दवाई लिख रहे हैं, वहाँ से दवाई मिल रही है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, तो ऐसा होना चाहिए। थैंक यू। के दिक्कत हो रही है और तो दिक्कत की होगा, मैं कैंप लगाए हो कि क्यूकर है, किस तरह है, के मानो थे ठीक ही माना, दवाई दिया हमारे बताओ तो के माना दवाई मिलेगी, थाने मिलेगी दवाई, मिलेगी दवाई, दवा में जाने पर्ची ली है। अच्छा ठीक है, तो नाम है और सिर दुख है, मैं तो 12 महीने ही हो गया। अच्छा, और सिर के खत्म दवाई लगा, सर सब सगला दवाई ली आई, अच्छा काम है, बहुत ही बढ़िया काम है वो। अच्छा, ये तो लगा से था अच्छा भाई, कोई कहीं रोग हो गया कोई हट जावे तो ठीक ही हुआ, आप फ्री में दवाई देवे, फ्री में सो के देखा भाड़ होने लग रही है, सारों की होगा फ्री बहुत बढ़िया, और हमें भी बहुत हेल्प मिल रही है, और जो आ रही लेडीज उसको बहुत फायदे की फायदे हो रहे हैं, और दवाइयाँ बढ़िया मिल रही है। कैंप
लगा हुआ है यहाँ पर जो कैंप है उसमें दवाइयाँ दी जा रही है, हो सकता है लोगों को कुछ फ़ायदा भी हो उसके, गरीब अमीर है सभी यहाँ पर आ रहे हैं, फ्री दवाई मिल रही है। धन्यवाद। फायदा तो जी सानू तो पिंडा च दवाई मिलती साडे वधिया लगता है, जिदा दूर जाना पैंदा जी सरसे जाना पैंदा, विजुआली जाना पैंदा, ऐलनाबाद जाना पैंदा, गोरी वाले जाना पैंदा, ठीक है जी। तो इत्थे वधिया साडे पिंड विच सानू दवाई फ्री मिलती है, दवाई बई गोडा गाडा में दर्द की ली है, अच्छा राज ही ली है, फायदा को बेरो पड़सी भी फायदा लियांगा जद भाई कितनो फायदा है, तो कैंप लगेंगो कितो फायदा था इंगो फायदा है भी, गरीबन दवाई मिलेगी फ्री में, फायदा है इंगो तो बहुत ज्यादा है भाई, गरीब है जो भी हट दिखा लिया को चेक करा लिया को, कोई भी बाजार जा कौन सके तो हट दिखावे को है। मैं तो नहीं जो सांस की दवाई लेना है, अच्छा दांत की दिखा जी पैरो और जका गरीब है बन फायदो है वो चीज़ जा को सके हॉस्पिटल की मजबूरी वह बंग है। मैं अनिल कुमार, ग्रामीण अंचल के अंदर इस तरह का जो ये नए इस तरह का जो निःशुल्क जो जाँच शिविर लगाया गया है ये काबिले तारीफ है, क्योंकि गांव की ग्राम पंचायत और जिन भी गणमान्य व्यक्तियों ने इस तरह का जो आयोजन किया है, तो मैं ये चाहता हूं कि ये इस तरह के आयोजन जाँच शिविर के, क्योंकि जाँच शिविर का जो आयोजन है ये निरंतर इसी तरह से लगा रहना चाहिए, क्योंकि अगर क्योंकि कुछ महिलाएं हैं या कुछ ऐसे जो निशक्त लोग हैं गरीब लोग हैं वो दूर दूर तक, क्योंकि जो हमारा ये जो गांव है गोदी का गांव है ये काफ़ी दूर रह जाता है, चाहे हम खंड स्तर पे लें चाहे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लें काफ़ी दूर है, इसलिए वहां तक पहुंचने के अंदर लोगों को बहुत आमजन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो जाँच शिविर आज गोदिका गांव के अंदर लगे हैं इसी तरह से निरंतर और भी जो गांव हैं उनके अंदर प्रतिदिन अपनी सेवाएं देते रहें, जो डॉक्टर विशेषज्ञ यहां पे आए हैं हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि वो निरंतर इसी तरह से ग्रामीण अंचल के अंदर अपनी सेवाएँ देते रहें। केश कुमार सर, और हमारे इस गोदिका गाँव में सरपंच धर्मपाल मुंदरिया जी के सहयोग से और जिला पार्षद श्री आदित्य देवीलाल जी के सहयोग से जो मेडिकल फ्री कैंप लगाया जा रहा है इसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और तय दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। और हमारे यहाँ से मतलब सिविल हॉस्पिटल या मतलब डवाली या सिरसा जो भी है वो मतलब यहाँ से 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर है और हमारे इस एरिए के अंदर फर्स्ट पहला जो फ्री कैंप लगाया जा रहा है इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद हैं उनके जी। इसमें सर लोगों को मतलब एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये गरीब लोग हैं मतलब यहाँ से 50 किलोमीटर सिरसा जाएं आएं तो मतलब 100-200 रुपये किराया लग जाता है, ये पूरे दिन की दिहाड़ी खत्म हो जाती है उनकी जी, मतलब यहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड शुगर और उनका बीपी चेक करके फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ दी जा रही हैं, उनको कैल्शियम की आयरन की विटामिन की, बच्चों के अंदर जो दिक्कतें हैं स्कूल के अंदर तभी स्कूल के अंदर लगाया गया ये कैंप, मतलब बच्चों के अंदर जो पेट की दिक्कत है पेट के कीड़े हैं आयरन की दिक्कत है इनको चक्कर आते हैं तो मतलब उस चीज़ का सारा ही बेनिफिट इनको मिल रहा है जी। हमारे दारेवाड़ा से गोदिका से कालूणा से बिजुवाली से मुन्नावाली से 5 गाँव से यहाँ बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है जी। मेरा नाम अनमोल कुमार है, मेरे गांव का नाम गोदिका है और हमारे यहाँ गांव में गोदिका गांव में कैंप लगा है जिससे हमारे गांव में सिरसा लोग जाते हैं कहीं वहाँ से बहुत दूर पड़ जाता है और यहाँ फ्री में हमारे दवाइयाँ मिल जाती है और जो भी बच्चे आते हैं उनका जो भी प्रॉब्लम है उनके वो सही करते हैं और डॉक्टर उनको फ्री में दवाई देते हैं और श्री आदित्य देवीलाल का हमारे यहाँ पर बहुत सहयोग है और श्री धर्मपाल मुंदलिया जी का सरपंच साहब का बहुत बहुत सहयोग है जी। हमारे गांव में यार कैंप लगा हुआ है, इससे मुझे अति खुशी हो रही है कि हमारे गांव में आज फ्री मेडिकल दवाइयाँ मिल रही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इससे हमारे गांव को बहुत ही लाभ होगा और कहीं दूर या गांव में फिरने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम तो यही चाहते हैं कि हर महीने हमारे गांव में यही कैंप लगता रहे और हमें खुशी मिलती रहे।
ये एक बहुत बढ़िया शुरुआत है सर, और गांव के जैसे कि हमारे विद्यालय में समय समय पर अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बच्चों को चेकअप के लिए टीमें आती रहती है, तो वो हमें डिटेक्ट करके देते हैं कि कौन से बच्चे के अंदर किस प्रकार की कमी है। तो बहुत से बच्चों के अंदर जैसे खून की कमी, एनीमिया वगैरह पाई जाती है, तो ऐसे जो माँ बाप हैं जो केवल घर पे ही रहते हैं, तो उन माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा है कि वो बच्चों को चेक करवाएंगे और खुद भी स्वस्थ रहेंगे। कितना लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, किस तरह की ज़्यादा बीमारी लोगों को है? अभी तक का मेरा जो रिस्पॉन्स है, पेशेंट तो अच्छे आ रहे हैं। मेन प्रॉब्लम पेशेंट्स को यहाँ पे मैंने देखा है अर्थराइटिस, गठिया का जो है वो उसके पेशेंट ज़्यादा हैं। फिर आपके क्या नाम है, ये पेट की बीमारी के, एसिडिटी प्रॉब्लम, इनके पेशेंट ज़्यादा हैं यहाँ पे। और मेरे को अर्थराइटिस के पेशेंट ज़्यादा ही दिखे यहाँ पे। सर, उनको किस तरह का ट्रीटमेंट आपके द्वारा? ट्रीटमेंट मेरा यहाँ पे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट रहता है, जितनी मतलब होता है उनका कैल्शियम्स और आयरन, विटामिन, मिनरल, मल्टी विटामिन सब वो अवेलेबल हम लोग करा देते हैं उनको। और प्रिकॉशन मतलब देते हैं, उनको फ़ायदा हो रहा तो हम नहीं है तो बाहर से आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। गोदिका केंद्र आपने फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया है, लोगों का किस तरह का रुझान आपको देखने को मिला? बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत सारे मरीज बहुत दिल से यहाँ पे आ रहे हैं और कैंप का फ़ायदा उठा के गए हमारे पास से। सफाइयाँ करवाई हैं, दवाइयाँ लिखवाई हैं, कई लोग एक्सट्रैक्शन के भी पेशेंट थे वो भी आए हैं, और बहुत ही बढ़िया रुझान। और ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने बहुत अच्छी ये पॉलिसी लगाई है कि रूरल पेशेंट्स को मेडिकल फैसिलिटीज़ उनके डोर स्टेप पर मिल सकें। यहाँ पे ज़्यादातर बीमारियाँ मसूड़ों से संबंधित हैं, जो सफाई सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते या फिर अवेयरनेस नहीं है इस बात की कि कैसे साफ रखें, स्केलिंग करवाएं नहीं करें, और इस एरिया में पता नहीं क्या है, या तो वो खुद जाते नहीं हैं या फिर उनको कोई गाइड नहीं करता है। बताते हैं कि हमें कभी बताया नहीं गया कि दांतों की सफाई नाम की भी कोई चीज़ होती है। अभी मैंने ज़्यादातर पेशेंट में ये चीज़ देखी है, और अब उनको बताने के बाद उनका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया था। उनको बिल्कुल चीज़ों को बहुत तरीके से समझते हैं और बहुत ही हेल्पफुल था बिल्कुल। किस तरह का उपचार लोगों को किया है? अब यहाँ पे सिंपल, क्योंकि पूरा सेटअप नहीं है, तो जो बेसिक डेंटिस्ट के काम है, स्केलिंग है, कोई ग्रेड 3 मोबाइल एक्सट्रैक्शन है, और ओल्फैक्स प्रोफाइलेक्सिस के जो तरीके हैं वो बताने के सब, और फर्दर उनको प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए गाइड, ये सब यहाँ कैंप के अंदर एज ए डेंटिस्ट किया जा सकता है, वही हम कर रहे हैं। मैम, आज गोदिका गांव के अंदर निशुल्क कैंप लगा है, तो आप बतौर एक महिला विशेषज्ञ पहुँचे हैं यहाँ पे, तो मैम किस तरह का महिलाएं यहाँ पे परेशानी लेकर के आ रही हैं और किस तरह से आप उनको सॉल्व कर रहे हैं? मैंने जो अभी तक सुबह से देख रही हूँ, इतना रश आ रहा है लेडीज़ का, लेकिन इनमें अवेयरनेस नहीं है, एक तो रिगार्डिंग अपनी हेल्थ को लेके बिल्कुल लापरवाही है। एनीमिया इतना कॉमन है, खून की कमी, और जो भी बीमारी है, शुगर हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया, उसकी वो रेगुलर दवाई नहीं लेते, कंसिस्टेंसी नहीं है मेडिसिन ट्रीटमेंट लेने में। एंटीनेटल चेकअप को लेके भी जैसे इनको रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, सब सुविधाएं यहाँ हैं, डिस्पेंसरी सरकारी है, पर जाना तो पड़ेगा, उसको खानी तो पड़ेगी उसको दवा, उस चीज़ के लिए ना हमें अवेयरनेस और क्रिएट करनी है। हॉस्पिटल में ही डिलीवरी होनी चाहिए, बच्चों के लिए कॉन्ट्रासेप्शन की बिल्कुल भी ये फॉलो नहीं कर रहे। हम सुबह से सबको यही बता रहे हैं कि किसी के 3-4 बच्चे हैं तो उस पर रोक लगाना ज़रूरी है, कॉन्ट्रासेप्शन को लेके अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है इनमें, वरना तो हेल्थ वाइज दे विल कीप ऑन गोइंग डाउन। एक सबसे अहम बात यह आती है कि अगर आज से कुछ समय पहले की बात की जाए तो जब महिला की डिलीवरी होती है नॉर्मल डिलीवरी होती थी, आज 99% महिलाओं की डिलीवरी ऑपरेशन के बाद होती है, तो क्या कारण मानते हैं इसमें, इसके पीछे
नहीं, हमें सरकारी हॉस्पिटल्स में मैं देखती हूँ अभी भी ऐसा नहीं है कि 90% या 99% सिजेरियंस हो रहे हैं। अभी भी होम डिलीवरीज होती हैं तो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, तो हॉस्पिटल में भी जाएंगी तो वो जो घर पे हो सकती हैं तो हॉस्पिटल में तो और भी ईजी है कि नॉर्मली होनी चाहिए उसकी सिजेरियंस, ऐसा नहीं है। देखो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा ये होता है कि जो मैनेजमेंट है, जो हॉस्पिटल डॉक्टर्स हैं, वो अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, इसलिए वो बिल्कुल रिस्क ज़ीरो लेते हैं कि थोड़ा सा भी बेबी के हार्ट में चेंज आई तो वो कहते हैं कि इवन मैंने देखा पेशेंट्स में वो वाली बर्दाश्त की नहीं है सीमा अब आजकल। वो बोलती हैं लेडीज़ जो कि मुझे दर्द नहीं कर सहने तो मेरे को सिजेरियन कर दो, तो ऐसे केस में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं कई बार ही, अदरवाइज फर्स्ट ऑलवेज नॉर्मल डिलीवरी को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए, चांस लेना चाहिए पहले। महिलाओं का अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए किस तरह का खान पान खाना चाहिए और किस तरह से परहेज रखना चाहिए? लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक रखना चाहिए जिसमें डाइट और एक्सरसाइज दोनों का रोल है। डाइट हेल्दी डाइट होनी चाहिए, ना कि फैटनिंग डाइट। उसमें हमें बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स में आलू, चावल, घी, चिकनाई, मीठा, बिल्कुल सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब बंद करना होता है। हेल्दी डाइट में दालें, हरी सब्जियां, सैलेड्स, जो मौसम का फल हो, थोड़ा गुड़ चना हम बोल रहे हैं हर एक को लो, ताकि ये नहीं कि ज़रूर मेवे लेने हैं महंगे वाले। आप मौसम के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से अपना डाइट का ध्यान रखें। दूध की कमी अगर नहीं है यहाँ पे तो दूध ज़रूर सबको हम बोल रहे हैं। कैल्शियम की रोज़ की 1000 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट है हर लेडी की 30 साल की उम्र के बाद, तो उनको रोज़ कैल्शियम की गोली एक, दूध एक टाइम, दही अगर पनीर वगैरह ले सके तो, ये सब डाइट में ध्यान रखना है। एक्सरसाइज के लिए और घर के काम में उतनी नहीं होती है वेट लॉस, या पेट बढ़ गया तो, पेट बढ़ने से हार्ट रिस्क बढ़ जाता है, तो इनको हम कह रहे हैं 1 घंटा की एक ब्रिस्क वॉक चाहिए ज़रूर। ठीक है, तो देखा आपने लोगों का किस तरह का रुझान रहा इस कैंप को लेकर के, लोगों ने किस तरह से अपनी समस्याएं डॉक्टरों को बताई और उन समस्याओं का तुरंत निदान किया गया। कुछ समस्याएं जो बीमारियां थी लोगों की, उनका निदान करने के लिए आगे चिकित्सा जो उपचार है उसकी जो है सलाह दी गई थी। डॉक्टरों का क्या कहना था डॉक्टरों को भी आपने सुना, लोगों का, मरीजों का क्या कहना था मरीजों को भी आपने सुना, और गाँव के सरपंच का इस कैंप के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य था उनको भी आपने सुना। तो अभी हम आपको ले चलते हैं इस कैंप के मुख्य संयोजक, आयोजक जोन नंबर 4 से जिला परिषद सदस्य आदित्य देवीलाल चौटाला जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं किस तरह का मुख्य उद्देश्य था, क्या सोच लेकर के वो आगे चल रहे हैं। फिलहाल वो जिला पार्षद हैं और आगे आने वाले समय में किस तरह का सफ़र उनका वो तय करना चाहते हैं। तो चलिए हमारे साथ आदित्य देवीलाल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के हरियाणा पे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, गांव गोदिका के अंदर आपने, आपके जोन का गांव है 4 नंबर वार्ड के अंदर, इसमें आपने फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करवाया, क्या मुख्य उद्देश्य है आपका इस कैंप को ऑर्गेनाइज करवाने के पीछे? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि स्वास्थ्य जो है वो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं इलाके से ज़िला परिषद मेंबर रहा हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं मेरे इलाके का ख्याल करूँ, और विशेष तौर पर जो महिलाएँ हैं हमारे गाँव में वो बहुत दूर दूर हॉस्पिटल होने के कारण वो जा नहीं सकती, तो मेरा तो मुख्य उद्देश्य ये था कि हम मेडिकल फैसिलिटेट जो है लोगों को सुविधा उनके गांव तक पहुंचाने का काम करें। इसी के मद्देनज़र रखते हुए मैंने दिल्ली की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने इनसे संपर्क किया और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे जोन में आएँ और यहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा जो है वो उनसे, उनको जो महरूम है वो उनसे उन मिले स्वास्थ्य सुविधाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसे कैंप्स हमारे हर गांव में लगने लग जाएं इंटरवल्स पे, तो शायद हमारे गांव में जो दिखते हैं बीमारियां हैं, कोई महिलाओं के संबंधित रोग हैं, वो दूर करने का काम करेंगे। सर, आज आपने गोदिका गांव के अंदर कैंप ऑर्गेनाइज करवाया है, आने वाले समय में कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज करवाने के प्लानिंग है? देखिए, मेरे गांव में भी ना बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और वो हॉस्पिटल 1978 और में बना था, 77-78 में चौरी देवीलाल जी ने बनाया था जब वो पहली दफ़ा मुख्यमंत्री बने थे। और आप मानोगे कि 2000 के बाद वो हॉस्पिटल बंद था, 31 बेड का हॉस्पिटल 16 एकड़ में बना हुआ था। जैसे ही ये सरकार बीजेपी की आई, भाजपा की आई,
तो मैंने ये एक इनिशिएटिव लिया कि मैं इस हॉस्पिटल को कामयाब करूँगा। तो मैंने उस हॉस्पिटल की सारा देखा उसको, और उसकी जगह जगह की फ़ोटोग्राफ्स ली कि वो कितनी बुरी तरह से वो टूटा पड़ा था, और उसमें जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, सारे ख़राब थे, टॉयलेट्स ख़राब थे, इवन तक ओटी ऑपरेशन थिएटर ख़राब था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके ये दरख्वास्त की कि आप मेरे गाँव के हॉस्पिटल के बारे में कुछ ख्याल करें और उसको कुछ एड दें ताकि उस हॉस्पिटल को हम ठीक कर सकें। तो मैं मुख्यमंत्री से 21 लाख रुपये लेके आया मेरे हॉस्पिटल के अंदर। सबसे पहले तो 24 घंटे हो तो जो भी हमारे ओटी में या कोई डिलीवरीज होती हैं तो उनको वहाँ रहने के लिए सुविधा तब मिले, तब अगर बिजली होगी तो सुविधा मिलेगी। तो स्वास्थ्य के प्रति मैं बड़ा गंभीर हूँ, और शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, इन चीज़ों, ये मेरे ना बेसिक मोटिव लेके चल रहा हूँ मैं। लोगों ने मुझे जिताया है, वोट दिया है, काम करने के लिए दिया है, मैं लीडर ही नहीं कर रहा, मैं सेवा करने के भाव से लगा हुआ हूँ। और स्वास्थ्य के प्रति तो मैं बहुत जागरूक हूँ कि लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति उनको ज्ञान होना चाहिए, और उनको अगर गवर्नमेंट ध्यान दे और जनप्रतिनिधि ध्यान दे तो लोगों तक हम स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकते हैं। सरपंच साहब, जितने भी सरपंच साहब हैं, चाहे धर्मपाल मुंदलिया जी हैं और भी गांव के जो सरपंच, सारे पढ़े लिखे हैं और सब ये चाहते हैं कि उनके गांव में स्वास्थ्य शिविर लगें और थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे चेकअप्स हों, बच्चों के स्कूल में शिविर लगे, बच्चों के चेकअप्स हों, तो इससे एक समाज में एक अच्छा एक वातावरण बनेगा और जितनी भी ये बीमारियाँ हैं वो डिटेक्ट होंगी, ट्रेस होंगी, तो शायद आने वाले भविष्य में हमें इनसे बीमारियों से बचने का मौका मिलेगा। सर, इस कैंप के अंदर कितने डॉक्टरों की टीम इस कैंप के अंदर आई हुई है और कौन कौन से गांव के अंदर आप आने वाले समय में कैंप लगवाने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, मैं धन्यवाद करता हूँ करुणा प्रेम संस्था का कि उन्होंने यहाँ पे हमें यस किया सबसे पहले तो कि हम आपके इलाके में आएंगे, क्योंकि दिल्ली से गोदेगा बहुत दूर है, कम से कम 300 किलोमीटर है। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी और कि हमें आज हमारे कैंप में लेडी डॉक्टर है, डॉक्टर किरण कुकरेजा, जो गायनेकोलॉजिस्ट है, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, वो आई हैं, जिनकी हमें इलाके में बहुत ज़रूरत है। और उनके साथ डॉक्टर गुरविंदर सिंह है, जो बड़े सीनियर मेडिकल जनरल फिजिशियन है, उनके साथ डॉक्टर टीके जैन है, वो बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, उनके साथ डॉक्टर धानी है, जो डेंटल हैं, डॉक्टर सर्जन है, और उनके साथ डॉक्टर ओपी यादव हैं, वो अभी नए हैं लेकिन वो भी एज ए जनरल फिजिशियन है, और हमारे एक मित्र हैं, एक हिमेश शर्मा जी, जो पैरामेडिक्स हैं। तो ये जितने भी डॉक्टर्स हैं बड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं, और आज गोदिका के अंदर है, आज शाम को 4 से 6 बजे तक रामगढ़ गांव के अंदर है, और कल सुबह 9 से 2 बजे तक गोरीवाड़ा के सरस्वती विद्या मंदिर के अंदर है। तो मोटे तौर पे मेरा जो 4 नंबर जोन है, मोटे तौर पे मैं उसको कवर अप कर लूँगा, और हमें इन डॉक्टर से ये फीडबैक मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो किस तरीके की बीमारी हमारे इलाके में ज़्यादा है, किस तरीके की दवाई चाहिए, किसी तरीके की सर्जरी की भी अगर ज़रूरत है। तो मेरी इनसे बात हुई थी, डॉक्टर साहब से, इनके पास एक वैन है जिस वो फुली लोडेड है, उसमें सारे सर्जिकल ऑपरेट भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आज हमने जो फेस शुरू किया है ये हम सिर्फ बीमारियों को डिटेक्ट कर लेंगे कि इलाके में कौन सी बीमारी किस तरीके की है, महिलाओं को क्या रोग हैं, और अगले नेक्स्ट जब हम कैंप लगाएंगे तो शायद हमारा कैंप बहुत रिफाइन होगा और हम लोगों तक इजीली अप्रोच कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा हमें फ़ायदा होगा इस कैंप से कि हमारे इलाके के अंदर महिलाओं के संबंधित रोगों का ज्ञान हो जाएगा और पुरुष आधारित जितने भी रोग हैं उनका हमें फीडबैक मिलेगा, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से नहीं हूँ, डॉक्टर्स हमें फीडबैक दे देंगे, नेक्स्ट टाइम हम जो कैंप लगाएंगे उसको और रिफाइन करके लगाएंगे। सर, स्वास्थ्य की बात आई तो स्वास्थ्य के प्रति तो आप बहुत गंभीर लग भी रहा है, क्योंकि आपने चेकअप कैंप लगवाया, आने वाले समय में भी आप लगवाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सर, शिक्षा और खेलों के मामले में अगर बात की जाए तो आपका क्या सपना है, किस स्तर तक आप शिक्षा और खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं? देखिए, मेरे को 1 साल हो गया बने को, मेरा जो 1 साल का टेनोर था, 1 साल 3 महीने में ज़िला परिषद मेंबर हो गया मेरे को बने को। मेरे 14 गांव हैं, मैंने 14 के 14 गांव के अंदर खेल सबसे पहला मैं लेके चला। खेल के अंदर मैंने हर गांव के अंदर 10-10 लाख रुपए सरकार से मिनी स्टेडियम्स के अप्रूव कराए। ऑलरेडी 5 गांव में बन चुके हैं, 7 गांव के अभी टेंडर्स हो रहे हैं। रत्ताखेड़ा, राजपुरा दो ऐसे हैं जिनका राय है, वो इस सेशन में उनका हम पूरा कर देंगे। तो खेल की दृष्टि से मैंने अपना जो मेरा ज़िला परिषद का दायित्व था मैंने वो निभाने का काम किया है, और गांव में स्पोर्ट्स को अपलिफ्ट करने के लिए मैंने मिनी स्टेडियम्स हर गाँव में खेल कर लेके आया हूँ।
उसके बाद आ जाती है शिक्षा की चीज़। अभी शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे पास दो इश्यूज़ हैं। स्वास्थ्य के हम अब डिडक्ट कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से आगे जो कैंप्स लगे हैं वो किस तरीके से लगेंगे। शिक्षा से संबंधित ये है कि थोड़ा सा समय मेरे को दो चार महीने मिले और मैं दो चार महीने में ये देखूं कि हमारे इलाके में किस तरीके के टीचर्स की कमी है, कौन कौन सी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसमें कौन कौन सी ट्रेड्स की एजुकेशन हो रही है, आर्ट्स का क्या है, कॉमर्स क्या है, मेडिकल कौन से गांव में है, किस गांव में नॉन मेडिकल है। थोड़ा सा उसको हम देखने के बाद मैं पूरा एम्फेसिस है मेरा कि मैं गाँव के स्कूलों में सारे मास्टर पूरे करवाऊँ सरकार से। सर, शिक्षा और खेलों के बाद सबसे अहम मुद्दा होता है गांव के विकास का, क्योंकि 14 गांव आपके अंडर आते हैं, विकास को लेकर के किस तरह के प्लानिंग है आपकी? देखिए जी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे साथ मेरे हमारे गांव के सरपंच है धर्मपाल जी, पढ़े लिखे हैं। सरकार ने एक फैसला लिया कि पढ़ा लिखा सरपंच बनेगा और जो 10वीं पास होगा वो सरपंच बनेगा। अब विकास जो है वो पढ़ा लिखा फैसला इसलिए लिया गया कि पढ़े लिखे सरपंच को ये पता है कि कौन से डिपार्टमेंट में किस फाइल को लगाना है, किस डिपार्टमेंट से क्या काम होगा। और मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ, सरपंच साहब भी अपने गांव के प्रति गंभीर है, मैं 14 गांव के हूँ और धर्मपाल जी अपने गाँव को लेके बड़ा गंभीर हैं। तो देखिए, अभी तक गवर्नमेंट से एज सच ऐसी कोई ग्रांट्स नहीं आई बड़े मोटे लेवल पे कि हम गांव के अंदर एकदम कोई विकास करें। ग्रांट्स आ रही है, नॉर्मल जो प्रोसेस के थ्रू जो आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन हमारी सोच काम करने की है। अगर मानता हूँ मैं कि अगर एक गांव में सरकार 50 लाख रुपए देती है तो शायद अब से पहले वो 50 लाख रुपए का काम दिखता नहीं था भी क्या हुआ है क्या नहीं, सरपंच तो बहुत रहे हैं। लेकिन अब जो पैसा अगर सरपंच के पास आएगा तो मुझे ये लगता है कि सरपंच एक एक पैसे को सही तरीके से लगाएगा और कहीं पे भी उस पैसे का मिसयूज़ नहीं होगा फंड का। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि पढ़े लिखे सरपंच जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें पैसा मिले तो हम पैसा हमने किस फेस में कैसे लगाना है उन्होंने प्लानिंग की हुई है। तो मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ कि अभी हमें ऐसी मोटे तौर की ग्रांट नहीं मिली और मेरी एक इच्छा है, मैं आपके माध्यम से भी और सारे इलाके के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा। और ये चीज़ मैंने दवाली में जब सीएम साहब यहाँ पे आए थे हरियाणा के मुख्यमंत्री, तो मैंने उनके सामने भी रखी थी कि हमारा जो है ये हरियाणा का तीसरा कोना है, हमारे दो कोने हैं, एक पंचकुला है दूसरा गुड़गांव है और तीसरा कोना जो है वो डबली हल्का है जी। अभी दो कोने आप जाके देखो इतने बढ़िया हैं, सारी चीज़ें फैसिलिटी है, रोड्स है, पानी की व्यवस्था है, हर चीज़ है वहाँ स्वास्थ्य की, मतलब ऐसे आपको लगेगा नहीं कि आप गुड़गांव जाओगे तो आपको लगेगा नहीं ये हरियाणा है और अगर आप पंचकुला जाओगे तो आपको हरियाणा नहीं लगेगा। लेकिन जब आप डबली में आते हो तो ये बिल्कुल ही उससे एकदम रिवर्स परिस्थितियाँ हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर गाँव को, इतने साल हो गए विकास नहीं हुआ हमारे, हर गांव को 50 लाख आबादी के हिसाब से, जिसकी आबादी 2000 से ऊपर है, उसको 1 करोड़ रुपए मिले। चलिए, शुक्रिया आदित्य जी हमारे से बातचीत करने के लिए, के हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जिला परिषद सदस्य आदित्य चौटाला, हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने आज गाँव गोदिका के अंदर फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करवाया था। तो आपको बता दें कि आज शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक गाँव रामगढ़ के अंदर इन्हीं डॉक्टरों की टीम अपनी सेवाएँ देंगी और उसके बाद में कल गोरीवाला गाँव के अंदर जो है ये मेडिकल कैंप का आयोजन करवाया जाएगा। और आदित्य चौटाला का यही कहना है कि समय समय पर वो इस तरह के आयोजन करवाते रहेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा और खेलों को भी बढ़ावा देने के लिए वो निरंतर प्रयासरत रहेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि गांव के विकास को लेकर के वो एक मुख्य एजेंडा बनाएंगे ताकि गांव के विकास भी पीछे ना रहें, गांव भी विकास के मामले में पीछे ना रहें। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि जिस तरह से गुड़गांव और पंचकूला हरियाणा के दो कोने हैं, उसी तर्ज पर उन्होंने बात की है मुख्यमंत्री जी से कि डबवाली को भी उसी तर्ज के ऊपर ग्रांट दी जाए ताकि डबवाली भी पिछड़े हलकों में से ना रहे।